देखिए, पीछे जाना कांग्रेस पार्टी जिस उनकी नीतियां आज देश हित में नहीं है। और अच्छा हो गया, और मजबूती हो जाएगा, कोलान में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है और मजबूती मिलेगी, यह कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गई, जिसको लेकर राज्य के सीएम चंपई सोरेन और बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। कोल्हान में और अच्छा हो गया, और मजबूती हो जाएगा, कोल्हान में कोई दिक्कत नहीं आए, पिछले बार विधानसभा में हम लोग खाता नहीं खुलने दिया है ना, इस बार उधर में कोल्हान में 2 एमपी सीट है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। वो तो हमारा गठबंधन का है, हम लोग विचार कर लेंगे। मतलब आपकी समझ है कि जेएमएम लड़े वहाँ पे? अभी हमारा गठबंधन है, विचार कर लेंगे। सदन देखिए, सदन चल रहा है अभी तक, क्या इतना देरी तक हम लोग सदन चल रहे से? नहीं, निश्चित तौर पर वो हमारे व्यक्तिगत भाभी हैं, मधु कोड़ा जी बड़े भाई हैं, बड़े भाई पर पूर्व में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और वो आरोप अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, सीबीआई और पता नहीं क्या क्या। हो सकता है कि वहां जाकर वो वॉशिंग मशीन में नहा लेंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे, और साफ सुथरे करके भाजपा रखेगी उनको अपने साथ में। डर नहीं है कहीं? अब ये तो देखिए, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, आग को बताने की जरूरत है कि उसके अंदर गर्मी है। अरे कुछ तो दबाव पड़ ही रहा है लोगों पर। देखिए, कांग्रेस को कोई झटका उटका नहीं है, अब वो किस आधार पे गई हैं वो सब लोग जानते हैं, क्यों गई हैं आप भी जानते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, सबको ले जाके नला धुला के स्वच्छ कर रही है, यहाँ पर जो रहेंगे वो करप्ट हैं, वहाँ चले जाएंगे तो स्वच्छ हैं। वहीं बीजेपी में जाने को लेकर गीता कोड़ा ने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। देखिए, पीछे जाना कांग्रेस पार्टी जिस उनकी नीतियाँ आज देश हित में नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वर्गों को बांटने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के सवाल होते हैं और जनता की बात को ही लेकर के हमने आलाकमान को कई बार अवगत कराया कि ये हमें निर्णय लेना चाहिए राष्ट्रहित में देश हित में हमारे राज्य हित में, लेकिन आलाकमान हमेशा मौन धारण कर लिया और किसी भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग कैसे क्षेत्र का विकास करें या जनता समाज के लिए राष्ट्र के लिए हम लोग कैसे काम करें? तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व को लोहा लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन चुनाव से पहले लोग कहें कि चुनाव से पहले क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? देखिए, इन चुनाव से पहले की बात नहीं है, हमने कई बार जब से मैं पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में जब से मैंने थी या मुझे जब से जिम्मेदारी दी गई कार्यकारिणी अध्यक्ष की, हमने लगातार कांग्रेस को अवगत कराने का प्रयास किया, यहाँ की समस्याओं से, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है, पार्टी मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी चुनी। क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है, अगर पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी हम लोग देखें तो बहुत मजबूती के साथ में पार्टी लड़ी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी सिर्फ कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे 14 लोकसभा में पार्टी और मजबूती के साथ लड़ेगी और पूरे 14 के 14 सीट आदरणीय मोदी जी को समर्पित होगा।